हाँ भाई, कल से आगे कंटिन्यू. कल हमने छोड़ा था, क्वेश्चंस करे थे लास्ट कुछ. चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन. एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है, आपको केपी कैसे निकालना है? द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुप्रयोग. एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसे लिखना, हिंदी में भी ये लिखना, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, मतलब LOMA. ठीक है, इसके एप्लीकेशंस. पहला आपको लिखना है सिंथेसिस ऑफ HI, HI का निर्माण. सिंथेसिस ऑफ HI, ठीक है, HI का निर्माण. अब देखो HI बनाने वाली रिएक्शन बोलो क्या होगा? H2 प्लस I2 गिव्स 2HI. सही है, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके HI बना रहे हैं और सबके सब गैसेस स्टेट. अब ध्यान से समझना, एक करोगे तो सारे डेरिवेशंस बनेंगे. सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ टाइम जीरो पे. ठीक है, तो टाइम जीरो है मतलब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, तो HI तो जीरो मान लो, क्योंकि रिएक्शन चालू ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट कहेगा. ठीक है, अब H2 जो तुमने लिया है तो मान लो तुम A मोल ले रहे हो, और I2 भी आपने लिया है तो भी, वैसे तो देखो एक पे एक ही चाहिए तो आपको एक पे एक ही लेना था, बट मान लो डिफरेंट दिया हुआ, एग्जाम में दिए 2 मोल है 3 मोल है, ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है? तो इसको A मान लिया, इसको B, और टाइम जीरो पे इसको क्या कर दूँ? यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं. फिर थोड़ी देर बाद तो मैंने लिख दिया एट टी टाइम. ठीक है, तो एट टी टाइम, या फिर मैं, अपन इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं ना, तो चलो हम इक्विलिब्रियम पे ही मान लेते हैं, एट इक्विलिब्रियम. तो तुम्हें पता ये खर्च होके फिक्स हो जाएगा, इसका कुछ हिस्सा कम होगा, और जितना इसका हिस्सा कम होगा उतना इसका भी कम होगा, है ना, क्योंकि रिएक्शन क्या कहती है भाई, 1 मोल है तो 1 मोल चाहिए, तो अगर इसका एक्स खर्च होगा इसका भी एक्स खर्च हो. अब अगर ये एक खर्च होता है तो 2 बनते, तो अगर ये एक्स खर्च हो रहा है तो एक्स बने. ठीक है, अब ये ए माइनस एक्स क्या है? मोल, मोल से मैंने ए लिया है ना, ए में से एक्स खर्च हो गया तो ए मोल लिया था, एक्स मोल खर्च हुआ तो ए माइनस एक्स बचा हुआ मोल है. ठीक है, नाउ वॉल्यूम इज वी. तो अगर वॉल्यूम वी है, क्योंकि देखो तुम्हें चाहिए एक्टिव मास, एक्टिव मास क्या होता है? मोल पर लीटर. तो हम कहेंगे ए माइनस एक्स अपॉन वी, अगेन और इधर आ जाएगा 2x अपॉन वी. यहाँ तक कोई डाउट नहीं. अब KC फाइंड करना आप सबको आता है. आप कहोगे KC था प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन और वो भी एक्टिव मास, तो प्रोडक्ट क्या है? HI. और स्टोइकियोमेट्री 2 है तो पावर क्या लिखोगे? 2. सही, HI की पावर 2 अपॉन, तो रिएक्टेंट क्या क्या है? H2 और I2. तो हम कहेंगे कि अब एक्टिव मास ऑफ H2 और एक्टिव मास ऑफ I2. यहाँ तक कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया यहाँ तक? अब अगर मैं कहूँ कि HI की बात करो तो HI है कितना? 2x अपॉन v, और स्क्वायर कर दो H2 और I2. ठीक है, जो आपने बोला हमने यहाँ से टेस्ट लिख दिया. ठीक है, अब क्या करें? v स्क्वायर कैंसिल कर दें. ठीक है, तो हम कहेंगे v स्क्वायर कैंसिल हो गया. अब 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, सही है, अपॉन आएगा a माइनस एक्स इंटू, कोई डाउट नहीं, सिंपल डेरिवेशन है ना. तो आपको बताना है कि इस रिएक्शन का KC क्या है. तो हम कहेंगे KC इक्वल्स टू है 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस एक्स. ठीक है, अब मान लो कि शुरू में तुमने A के 1 मोल ले लिए होते और B का भी कितना लिया होता? 1 मोल ले लिया होता. ठीक है, तो KC इक्वल्स टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल. यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं. ठीक है, और वॉल्यूम है ही नहीं इस पूरी इक्वेशन में. ठीक है, क्लियर. अब तुम देखो तुम्हारे पास ये इक्विलिब्रियम है, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI. डेल्टा n कितना है इसका?
जीरो. चेक करो डेल्टा एन क्या होता है, गैसियस प्रोडक्ट मोल. तो प्रोडक्ट दो है, रिएक्टेंट भी दो है, तो डेल्टा एन कितना है, जीरो. आपने कल रिलेशन पढ़ा था के पी इक्वल्स टू के सी आर की पावर डेल्टा एन. तो के पी इक्वल्स टू के सी. तो जो तुमने के सी निकाला है वो का वो क्या है, के पी है. तो हम कहेंगे के पी इक्वल्स टू सेम 4x अपॉन 1 माइनस x का होल. बोलो किसी को कोई डाउट है क्या, क्लियर. चलो लिखो उसको एक बार फटाफट, यहीं से है ना एप्लीकेशन वन. ये वाली लाइट भी ऑन कर. हाँ वो भी ऑन करो जो पहले ऑन करी थी. हो गया. नेक्स्ट नेक्स्ट रीडिंग लगाएंगे थर्मल डिसोसिएशन ऑफ PCl5. PCl5 का तापीय विघटन, ठीक है. KC और KP दोनों निकालना है. केस टू या एग्जांपल टू, थर्मल डिसोसिएशन थर्मल डिसोसिएशन ऑफ PCl5, ठीक है. अब देखो PCl5 को डिसोसिएट करना है ना, तापीय विघटन. इक्वेशन बोलो PCl5 गैसियस, रिवर्सिबल साइन आएगा है ना, PCl3 और Cl2, ठीक है. सबसे पहले हम चेक करेंगे टाइम जीरो है ना, टाइम जीरो पे हमें बताना है. तो क्या लिखें टाइम जीरो पे PCl5 कितना, ए मोल या एक मोल मान लेते हैं भाई, एक मोल लिया था और टाइम जीरो पे ये लोग कितने, जीरो और जीरो. अब इसका कुछ हिस्सा कम होगा और जितना इसका कम होगा उतना इसका भी बनेगा और उसका. अब तुम समझे, मान लो मैंने ले लिया चलो एट इक्विलिब्रियम,
तो वन में से कितना कम हुआ x। अब बच्चों क्या लगता है कि भाई ये x कम हुआ, तो आप 2x कैसे बना रहे हो, इधर भी x इधर भी x, तो एक के दो टुकड़े हुए ना, तो x के भी तो दो टुकड़े हुए, एक ही चीज़ के दो टुकड़े हुए तो बराबर ही बने जाएंगे ना, ये भी x और ये भी x, ठीक है। कोई वेट तो है नहीं, जो हम कहेंगे भी 10 ग्राम का 5-5 ग्राम हो गया, ये मोल से है ना, तो मोल अपने यहाँ वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड होकर आता है। तो हम कहेंगे अगर इसका x पार्ट कम होगा तो ये भी x बनेगा और ये भी x बनेगा। नाउ वॉल्यूम इज v, तो इफ वॉल्यूम इज v तो क्या हो जाएगा, x अपॉन v और x अपॉन v, यहाँ तक कोई डाउट, ये क्लियर। देखो ये एक है ना, तो अगर मैं एक मोल लेंगी तो आंसर कितना है, दो मोल, तो अगर x कम होगा तो 2x तो बनेगा, x और x मोल खेल रहे हो ना, वेट नहीं होता, अभी 100 ग्राम की चीज़ है उसके दो टुकड़े हो गए तो 50 ग्राम 50 ग्राम, ये क्या है, मोल है, मोल अपने आप जो भी तुम्हारा 50 ग्राम है डिवाइड बाय मोलर मास, और रिमेनिंग जो 50 ग्राम है उसका भी क्या है, मोलर मास, तो तुम मोल है ना, इसलिए नहीं मानते ऐसे, है ना। आप कह रहे हो भाई मैंने ये एक मोल लिया लेकिन आंसर तो दो मोल है ना, तो अगर x हिस्सा कम होगा तो आंसर तो 2x होना चाहिए ऐसे, ठीक है। नाउ अब मुझे फाइंड करना है क्या, kc, तो kc के लिए आपका फॉर्मूला प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट है ना, तो प्रोडक्ट का एक्टिव मास PCl3 और Cl2 अपॉन PCl5, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ PCl3 कितना और Cl2 कितना और PCl5 कितना, आंसर निकाल, ठीक है, जल्दी करो। kc इक्वल्स टू kc इक्वल्स टू v भी कैंसिल कर दे अपन, kc इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन वन माइनस x और v, एक सेकेंड, v तो कैंसिल हो गया, अच्छा मैंने काटा ही नहीं है क्या, हाँ ठीक है, तो x स्क्वायर अपॉन वन माइनस x इंटू, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो इसको वापस लिख रही हूँ, ठीक है, याद रखना kc इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन वन माइनस x इंटू, ठीक है। अब मान लो कि x की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम है, x इज वेरी वेरी लेसर देन वन, तो वन माइनस x को कितना मान लो, वन वन, तो kc इक्वल्स टू क्या बैठे, x स्क्वायर अपॉन v, तो अब kc तो कांस्टेंट है ना, kc का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो एट इक्विलिब्रियम ये वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, तो x स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, v के, है ना, और x प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट v, ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है के पी, सेम इक्विलिब्रियम लिख दिया है ना, शुरू में कितना मान लूँ, वन जीरो जीरो, कोई डाउट नहीं,
फिर एट इक्विलिब्रियम वन में से एक्स पार्ट जाएगा एक्स और एक्स, ठीक है। अब टोटल मोल निकालना है यहाँ पे, वन माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, टोटल मोल सबको जोड़ दो। अब क्या करें, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो आपके पास टोटल मोल आ गया वन प्लस एक्स, कोई डाउट नहीं। ये हो गया आपका केपी के लिए बेसिक टर्म। केपी में आपको चाहिए था मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, एक के मोल अपॉन सबके मोल, तो इंडिविजुअल मोल तो ये रहे और टोटल मोल ये रहे, ठीक है। अब मैं तुम्हें केपी का एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता देती हूँ, तो तुम उससे केपी फाइंड करोगे, है ना। तो देखो केपी का फॉर्मूला तुम लिखोगे, केपी इक्वल्स टू प्रोडक्ट मोल, प्रोडक्ट मोल अपॉन रिएक्टेंट मोल, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर, पी टोटल अपॉन टोटल मोल, इसको मैंने लिख दिया सिग्मा एन, ठीक है। अब बोलो प्रोडक्ट मोल कितना था, एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो एक्स स्क्वायर पे प्रोडक्ट मोल, एक प्रोडक्ट एक्स था मल्टीप्लाई विद एक्स। रिएक्टेंट मोल कितना है, टोटल प्रेशर में पी मान लेती हूँ, और टोटल मोल कितना है, वन प्लस एक्स। तो अब तुम्हारे पास के पी कितना आया, अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा फाइनल आंसर। तो ये आपका हो गया के पी। अब क्या चीज़ नेग्लिजिबल माननी है, एक्स। तो तुम कहोगे कि भाई अगर एक्स की वैल्यू एक से बहुत ही कम है तो वन माइनस एक्स जो है वो लमसम वन मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर के पी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पी, है ना। अब एट इक्विलिब्रियम के पी तो कॉन्स्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, है ना, ये अलग से लिखोगे, एक्स स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और एक्स प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन अंडर रूट, क्लियर, ठीक है, नोट करो उसको के पी। सीधा केपी का फॉर्मूला याद रखोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, विषमांगी साम्य के लिए, विषमांगी साम्य के लिए साम्यावस्था स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
for heterogeneous equilibrium. ठीक है, विश्व मांगी साम्य के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. अब हेट्रोजीनियस मतलब समझ गए, एक आध सॉलिड होगा, बाकी गैस होंगे, है ना. तो अब आपको पता है सॉलिड आ गया तो उसको वन मान लेना. ठीक है, तो पहला लिखो केस थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड का तापीय विघटन, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड का तापीय विघटन NH4Cl लिख सकते हैं आप. ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ NH4Cl. अब देखो NH4Cl सॉलिड है, लैब में टेस्ट भी करते हैं अपन, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन, आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड है. ठीक है, अब गर्म करोगे तो अमोनिया और HCl. ठीक है, HCl नेचुरली गैस ही होती है, पानी में घुलती है इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, अदरवाइज ही गैस है. अमोनिया भी गैस है और ये सॉलिड. अब अपन उसी केस पे चलेंगे भाई, टाइम ज़ीरो तो इसके बाद मोल मान लेते हैं और ये तो वैसे ही कॉन्स्टेंट रहेगा. ठीक है, अब हम कहेंगे ये शुरू में तो ज़ीरो और ज़ीरो, फिर इसका एक्स पार्ट कम हो जाएगा तो इसका एक्स और एक्स. ठीक है, और फिर वॉल्यूम की बात करें. ठीक है, एक्स अपॉन वी और एक्स अपॉन, यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को. अब तुम्हें ध्यान रखना, जब मैं केसी फाइंड करूँगी तो मैं, ये तो सॉलिड है इसको गिनना ही नहीं है और उनको गिन लेंगे. ठीक है, तो अब केसी निकाल लें, तो केसी इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ NH3 और एक्टिव मास ऑफ HCl. तो अब मुझे लिखना चाहिए एक्स अपॉन वी इंटू एक्स अपॉन, तो इसका केसी तो फिक्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन बस. ठीक है, ये है थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ NH4Cl. हो गया. इस पे क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें सेम, इस पे जेई मेंस में आया है दो बार. समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं. सॉलिड है इसलिए हमने एक्टिव मास को कांस्टेंट मान लिया. ठीक है, अब तुम्हें केपी कैलकुलेट करना है. देखो वापस लिख रही हूँ, NH4Cl सॉलिड हो गया है ना, और हमने लिख दिया अमोनिया गैस और HCl गैस. ठीक है, अब ध्यान से सोचो थोड़ा दूसरे तरीके से, वो सब फिक्स है 1 0 0 1 - x x और x, टोटल प्रेशर आएगा वो भी ठीक है ना. मान लो एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम ये तो सॉलिड है, तो सॉलिड का तो प्रेशर हुआ नहीं है ना. तो एट इक्विलिब्रियम अमोनिया का प्रेशर PnH3 और HCl का प्रेशर PnH3. तो KP निकालने का एक और तरीका था ना, KP इक्वल्स टू पार्शियल प्रोडक्ट ऑफ NH3 और पार्शियल प्रोडक्ट ऑफ HCl. ऐसे भी तो कर सकते हो, मान लो तुम्हें प्रेशर दिया हुआ हो कि इक्विलिब्रियम पे अमोनिया का प्रेशर इतना है, HCl का इतना है, KP निकालो, तो निकाल दो KP, है ना. KP इक्वल्स टू क्या, P स्क्वायर हो गया. मान लो दोनों का प्रेशर सेम है तो KP इक्वल्स टू क्या हो गया, P स्क्वायर, है ना. और यहाँ तुम्हें कहते हैं एट इक्विलिब्रियम P इतना है, KP बताओ. तो प्रेशर अगर टोटल दे ही रखा है ना, तो P इक्वल्स टू क्या था, अंडर रूट KP. ठीक है, इसको भी नोट करो.
हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट रीडिंग लिखेंगे थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ, नेक्स्ट केस थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ Ag2CO3, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट, ठीक है? क्या है ये, मतलब फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है ना, कार्बोनेट्स मोस्टली सॉलिड ही होते हैं, तभी तो थर्मल डीकंपोजिशन कर रहे हो, ठीक है? इसको गर्म कर दो, क्या क्या बनेगा? कार्बोनेट को गर्म करते हो तो कौन सी गैस निकलती है? CO2, तो फिर बचा ही पीछे Ag2O और CO2, CO2 तो गैस है और Ag2O सिल्वर का कौन सा कंपाउंड गैस हो सकता है? सिल्वर तो सॉलिड ही रहेगा, सिल्वर ऑक्साइड है आपके पास, ठीक है? अब मुझे तुम केसी केपी दोनों बताओ, जल्दी करो फटाफट, केसी का फाइनल आंसर दो और केपी का फाइनल आंसर दो। केसी एक्स अपॉन वी आ रहा है और केपी ओनली पी, चेक करते बाकी दो सॉलिड है, ठीक है? देखो ये शुरू में हो गया 1 0 0, फिर ये 1 माइनस एक्स एक्स और एक्स, फिर 1 माइनस एक्स अपॉन वॉल्यूम, अगेन एक्स अपॉन वॉल्यूम और एक्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? लेकिन ये तो कांस्टेंट माना जाएगा है ना, और ये भी कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है? तो हम कहेंगे के सी इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ CO2, तो के सी इक्वल्स टू हो गया एक्स अपॉन वी, तो के सी तो आपका सही एक्स अपॉन वी। नाउ के पी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो के पी की वैल्यू आ गई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्लियर? सिंपल है ये भी, है ना? आपको बस दिमाग में रखना है कि सॉलिड आए तो उड़ाना उसको, यू नहीं सॉलिड काम में ले लो फिर तो बनेगा ही नहीं, ठीक है? अब एक क्वेश्चन करना है तुम्हें, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, HCl का आंशिक दाब ज्ञात कीजिए कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl अबव अ सैंपल ऑफ NH4Cl, अबव अ सैंपल ऑफ NH4Cl, HCl का आंशिक दाब ज्ञात कीजिए जब NH4Cl के नमूने को गर्म करते हैं, ठीक है? HCl का आंशिक दाब ज्ञात कीजिए जब NH4Cl के नमूने को गर्म करते हैं। यहाँ पे आपको Kp दे रखा है 1.04 × 10⁻¹⁴, सोचो रूट में। देखो पहले तो अमोनियम क्लोराइड का सैंपल NH3 और HCl, ठीक है? अब तुम्हारे को Kp दिया हुआ है तो सिर्फ Kp वाले टर्म की बात करेंगे, है ना? तो ये तो सॉलिड है, इसका प्रेशर कितना मान ले अमोनिया PnH3, और इसका क्या मान लेते हैं HCl, तो हमारे को Kp तो क्लियर है, Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस इनटू दिस,
अब ये एक है तो ये एक है, तो जो इसका प्रेशर हुआ इसका प्रेशर, तो के पी इक्वल्स टू पी स्क्वायर है ना। तो प्रेशर पूछा है तो रूट के पी, तो रूट के पी मतलब 1.04 इंटू 10 की पावर माइनस 14, पावर क्या हो जाएगी हाफ है ना। तो अब तुम्हें ऐसा आंसर चेक करना है जिसमें 10 की पावर क्या हो माइनस 7 है ना, और 1.04 का रूट ले लो, लमसम 1 ही आएगा। 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो अगर 1 का रूट लोगे तो क्या है ना 1.01 के आसपास आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। लिख दिया। एक और क्वेश्चन है, हटाऊं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ए व बी की प्रारंभिक सांद्रता, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज 0.8 m, ठीक है। ऑन मिक्सिंग दैम फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ए व बी की प्रारंभिक सांद्रता 0.8 m है तथा इन्हें आपस में मिलाने पर अगर हम इनको आपस में मिलाने पर निम्न अभिक्रिया होती है, ठीक है। ए भी गैस है, बी भी गैस है, और प्रोडक्ट आपका बन रहा है सी और टी, ये भी गैस है, ठीक है। आपस में मिलाने पर निम्न अभिक्रिया होती है, ठीक है। फिर है इफ एट इक्विलिब्रियम यदि साम्य अवस्था पर C की सांद्रता 0.6 है, यदि साम्य अवस्था पर C की सांद्रता 0.6 m है तो Kc ज्ञात करो, ठीक है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम बनाओ वापस से, सिंपल है क्वेश्चन, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इसमें। देखो सबसे पहले आप लिखेंगे ए प्लस बी और आंसर क्या है सी प्लस डी। अब देखो टाइम जीरो पे इनिशियल शुरू में कितना दे रखा है, ये 0.8 है तो ये 0.8 ही होगा, तो कह रहा है ना, ईच लिखा है इंग्लिश में तो आपने, प्रत्येक की सांद्रता 0.8 है तो ये 0.8 और इसको क्या मान लूँ जीरो और जीरो। फिर मैंने सिखाया था इक्विलिब्रियम पे 0.8 माइनस एक्स और ये भी 0.8 माइनस एक्स और ये कितना बनेगा एक्स और एक्स, ठीक है। अब वॉल्यूम देखो, मोल पर लीटर है, कैपिटल एम मतलब मोल पर लीटर, तो ये मोल पर लीटर ही अपने पास है ना, आपको फिर से वॉल्यूम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब भी कुछ बोला इसने, क्या बोला अब क्वेश्चन में, x की वैल्यू कितनी है 0.6, क्योंकि वो कह रहा है एट इक्विलिब्रियम c, तो एट इक्विलिब्रियम c तो x है ना, और x की वैल्यू कितनी है 0.6 m, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास 0.8 माइनस x की वैल्यू भी आ गई, इधर भी आ गया, ये भी आ गया, फाइंड क्या करना है kc का आंसर तुम्हारा क्या हुआ, c इंटू डी अपॉन a इंटू बी है ना, एक्टिव मास लिखना है और एट इक्विलिब्रियम वाला ही तो लिखना है, के सी मतलब ये जो एक्टिव मास है ये इस टाइम के है ना एट इक्विलिब्रियम वाले, तो x की वैल्यू कितनी है 0.6, फिर x की वैल्यू कितनी लिखेंगे 0.6, समझे। या तो तुम ऐसे लिखो x इंटू एक्स अपॉन 0.8 माइनस x इंटू 0.8 माइनस x। अब x की वैल्यू है 0.6
पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट नाइन आ रहा है। पॉइंट तो सारे उड़ जाएंगे ना, पॉइंट तो सारे उड़ जाएंगे ना भाई। 36 अपॉन 4 9 आएगा ना, है ना। 36 बाय 4 तो केसी की वैल्यू कितनी आ गई 9। बोलो कोई डाउट हो तो, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गिव्स बी, ठीक है। यहाँ पे केवन मतलब वही केसी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे केवन है 10 की पावर माइनस 2, फिर है 1/3 सी गिव्स 1/3 बी, और K2 की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 1, ठीक है। पहला वाला माइनस 2 है, फिर माइनस 1, और फिर 2D से आपके बन रहा है 2C, और K3 जो है दैट इज 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट KC फॉर ए गिव्स डी, ठीक है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, सोचो दिमाग लगाओ। देखो दिमाग लगाओ, है तो सिंपल ही क्वेश्चन। तुम्हें केसी निकालना है, तुम्हारे को चाहिए डी बाय ए। बोलो तुम्हारे को क्या चाहिए? डी बाय ए, डी प्रोडक्ट है और ए रिएक्टेंट है, तुम्हें डी बाय ए चाहिए। जो डेटा दिया है वो देखो, तो पहले तो ये देखो केवन कितना है। केवन क्या है? बी अपॉन ए, ठीक है। एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ये केवन है। के टू कितना है? बी की पावर 1/3, भाई प्रोडक्ट है ना, तो बी की पावर 1/3 अपॉन सी की पावर 1/3, ठीक है। और के थ्री देखो, सी की पावर 2, सी की पावर 2 अपॉन डी की पावर 2। ये जो दिया है मतलब के वन क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना, के तो के वन के रिस्पेक्ट में बी बाय, के टू में बी की पावर 1/3 और सी की पावर भी 1/3, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही कर रहे हैं। और के थ्री तो प्रोडक्ट क्या है? सी पावर 2 कर देती हूँ, स्टोइकोमेट्रिक पावर बनती है, और अपॉन क्या? डी पावर 2। यहाँ तक तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब ये तो जो दिया है वो है, और चाहिए मुझे डी बाय ए, तो डी सर्च करो, डी कहाँ है? के थ्री, लेकिन ये तो नीचे है ना, उल्टा करेंगे, ठीक है। तो मतलब मैं इसको 1/K3 कर दूँ, तो अगर मैं 1/K3 कर रही हूँ तो मेरे पास तो डी स्क्वायर आ रहा है, तो मुझे डी स्क्वायर थोड़ना चाहिए। अगर मैं 1/K3 कर लूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? हाँ यही है ना, तो मुझे मिल रहा है डी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे इसका रूट चाहिए, है ना। तो इसका रूट चाहिए, तो मैं 1/K3 भी करूँ और इसका क्या करूँ? रूट भी ले लूँ, बैठ जाएगा, ठीक है। चलो फिर मुझे क्या चाहिए? ए चाहिए, ए कहाँ है? केवन, तो केवन तुम्हें यूं का यूं ले लो, और ए नीचे ही चाहिए तुम्हें, हाँ तो केवन भी बैठ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि मुझे डी तो मिल जाएगा लेकिन मुझे सी भी मिल रहा है, मुझे सी तो नहीं चाहिए, है ना। और अगर मैं केवन लेती हूँ तो ऊपर बी आ रहा है, मुझे वो भी नहीं चाहिए, तो मुझे बी भी काटना है और मुझे सी भी काटना। अब काटने के लिए सी ऊपर होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं के टू लेऊँ तो सी तो नीचे, तो पहले तो उल्टा करूँ,
और पावर क्या करूँ, थ्री, क्योंकि वन बाय थ्री है ना, मुझे तो सी काटना है तो क्यूब करना पड़ेगा. तो अब मुझे लग रहा है कि के टू को रिवर्स भी करूँ है ना, और पावर क्या करूँ थ्री कट. तो देखो पहले तो मैंने के थ्री को उल्टा किया, सी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर की जगह क्या हो गया, डी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. और अगर मैं उसका रूट ही ले लेती हूँ तो रूट आएगा मेरे पास कितना, सी बाय डी. ठीक है, फिर K1 मैंने यूं का यूं लिखा, तो K1 क्या है, B अपॉन A. ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, K2 उल्टा किया, रिवर्स कर दो और क्यूब कर दो. तो उल्टा करूँ तो C ऊपर है B नीचे, और क्यूब कर दूंगी तो C बाय B. अब कैंसिल क्या हो रहा है वो चेक करो पहले, तो कैंसिल हो रहा है तुम्हारा B से B. मैंने कुछ गलत किया है, हमारे पास था K2, C क्यूब ऊपर और B क्यूब नीचे. फर्स्ट वाला रिवर्स करना था, C बाय D नहीं है, फर्स्ट वाला क्या है, D बाय C है. तो D ऊपर चाहिए, C नीचे, और D तो ऊपर ही चाहिए था ना. अब C C कैंसिल हो गया, B B कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, D बाय A. ठीक है, अब ये तो आंसर आया ऐसी मैनिपुलेशन से. अब तुम देखो K3 की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर माइनस 2. तो पहले तो उल्टा करना है ना ये, और इसका क्या करना है, रूट भी करना है. ठीक है, फिर K1 कितना है, माइनस 2, और फिर 1 अपॉन K2. तो K2 कितना है, 10 की पावर माइनस 1, उल्टा करना है ना, वन अपॉन टेन की माइनस वन ही लिख रही हूँ मैं तो. ठीक है, और पावर क्या करनी है, थ्री. अब सोचो टेन की पावर माइनस टू ऊपर आएगा तो टेन की पावर टू, और रूट लेोगे तो कितना हो गया, टेन. तो इसका आंसर तो टेन. इधर देखें ये कितना है, टेन की पावर माइनस टू ही रहेगा, और इसको देखो टेन की पावर माइनस वन ऊपर कितना हुआ, टेन, और क्यूब में कितना हुआ, थाउजेंड. तो आंसर कितना आया, 100 आया. तो इसका आंसर 100 ही है, समझे मेरी बात, कैसे करना नोट करो जल्दी से. तुम्हें कुछ भी मैनिपुलेट करके अपना आंसर लाना है ना, चाहे रिवर्स करना पड़े, चाहे स्क्वायर करना हो, चाहे क्यूब करना हो. ठीक है, टाइम लगेगा इसके आंसर आने में, एकदम से आंसर नहीं करोगे. कट बना दिया, क्वेश्चन लिख दो, प्रैक्टिस करना इसकी. तो आंसर लिख दो साइड में, 100, बात खत्म. एक क्वेश्चन और देती हूँ, कर लिया तो फिर ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया, सही है. साइड में लिख दो इसका आंसर 100, और बाकी अपने आप मैनिपुलेशन करते रहना. फटाफट लिखेंगे, दम दम क्यों नहीं, खुद को करना पड़ जाए, अपने आप करना है घर पे. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है पी गिव्स क्यू. ठीक है, यही करना है. इसके लिए K1 है 10 की पावर माइनस 4. ठीक है, K1 है 10 की पावर माइनस 4. फिर तुम्हारे पास है 2 बाय 3 आर गिव्स 2 बाय 3 क्यू है ना. इसका K2 है 10 की पावर माइनस 2. फिर तुम्हारे पास है 1/4 एस इज 1/4 आर, और इसका K3 है 10 की पावर माइनस 1. ठीक है, तुम्हें KC कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट KC फॉर P गिव्स S.
ठीक है, तीन है तुम्हारे पास, K1 है, K2 है, K3 है. फाइंड करो जल्दी से. पैटर्न तो समझ में आई गया तुम्हें, है ना? कुछ भी मैनिपुलेट करके तुम्हें अपना आंसर लाना है. देखें सबसे पहले कौन करता है भाई. सॉल्व करो, आया क्या आंसर? जो चाहिए उसको ढूंढो, ऊपर नीचे है तो रिवर्स करो, है ना? पहले तो वो दो डेटा लाओ जिनमें एस और पी हो और अपने हिसाब से मैनिपुलेट करो कि तुम्हें एक एस चाहिए एक पी चाहिए और बाकी को कैंसिल करना है. 10 क्यूब यानी 1000 आ रहा है. और कोई आंसर करेक्ट है भाई. मैनिपुलेट करके आपको अपना आंसर लाना है. चार बच्चों ने निकाला है. एस ऊपर चाहिए, एस का डेटा है K3, ठीक है? तो पहले तो तुमने K3 को उल्टा किया, 1 अपॉन K3 की पावर 4, ठीक है? फिर तुम्हें पी चाहिए, पी का है K1, यू कहीं ले लें तो ये ला, ठीक है? अब क्या चाहिए था तुम्हें? K2, तुम्हारे पास, एक सेकंड इसको भी सॉल्व कर ले. 1 अपॉन K3, K3 में तुम्हारे पास आ गया, रिवर्स किया ना तो S ऊपर आ गया और R नीचे आ गया, ठीक है? पावर 4 करने के बाद K1 आपका क्या है? Q/P, ठीक है? तो तुम्हारे पास S/P तो आ ही चुका है, लेकिन तुम्हें Q और R काटना है. तो Q और R कब कटेगा? उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा भी करना है और ये 1-1 फॉर्म में लाना है ना,
तो वन अपॉन के टू, और टू थर्ड का वापस उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, थ्री बाय टू. तो आपके पास आ जाएगा क्या, यहाँ पे आर ऊपर आ जाएगा और क्यू नीचे आ जाएगा. बस अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, है ना. के थ्री की वैल्यू कितनी है, टेन की पावर माइनस वन, ऊपर आ जाएगा प्लस वन, और पावर फोर करोगे तो टेन की पावर फोर. ठीक है, के वन कितना है, टेन की पावर माइनस फोर. तो ये तो गया, है ना. और अब क्या है, वन अपॉन के टू, तो टेन की पावर माइनस टू, टेन की पावर माइनस टू ऊपर आएगा तो टेन की पावर टू, और थ्री बाय टू करना है. ठीक है, टू टू कैंसिल कर देना, है ना. और बचेगा क्या, टेन की पावर थ्री, फाइनल आंसर. ठीक है, समझ में आ गया, है ना. अब कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई क्लास. ठीक है.